Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achivarya. So here it is 11th of September 2020 and we are going to take today's The Hindu news analysis. Okay, so the first news is officials confirm two incidents of firing at South Bank of Pangong So Lake. सो जैसे कि आप सभी को पता है कि पेंगोंग के जो है एक तरफ हम लोग हैं, एक तरफ जो है चाइनीज़ ट्रूप्स हैं. तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ जो है लोकल लोगों ने बताया, लोकल ऑफिशियल्स वहाँ जो तैनात हैं उन्होंने बताया कि पेंगोंग पर जो है एक बार नहीं बल्कि दो बार ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जब वहाँ पर फायरिंग हुई है. Shots were first fired on 30th August. पहली बार जो फायरिंग हुई थी वो 30th August को हुई थी. As Indian troops prevented PLA efforts to change status quo. जैसे ही जो है PLA के efforts थे कि वो जैसी situation है उसको बदलने की कोशिश करें, लेकिन इंडियन ट्रूप्स उन्हें प्रिवेंट करते हुए जो है सिचुएशन कंट्रोल में लाई है. लेकिन अल्टीमेटली 30th August को पहली बार फायरिंग हुई थी और फिर नेक्स्ट जो है अभी रिसेंटली 7th of September को जो है फायरिंग की रिपोर्ट्स आई थी. द साउथ बैंक ऑफ द पेंगोंग सो लेक वेयर इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स आर करेंटली एंगेज्ड इन अ फेस ऑफ विटनेस फायरिंग इन द एयर नॉट ओनली ऑन September 7th बट आल्सो अ वीक अर्लियर. अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू. जो सीनियर ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उन्होंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन द हिंदू को बताई है कि जो चाइना ने है, जो चाइना और इंडिया के बीच में जो सिचुएशन चल रही है, पेंगोंग सो लेक के पास में एक नहीं बल्कि दो दो बार शॉट्स फायर हुए हैं. ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेंशन वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस और जिस तरह की कंडीशंस दोनों देशों के बीच चल रही है उसको देखते हुए सिचुएशंस को कंट्रोल में लाने की सख्त ज़रूरत है. और अगर दो दो बार फायरिंग होने की संभावनाएं, अगर ऐसी घटनाएं घटित हुई है तो अपने आप में ये दोनों देशों के बीच बहुत ही बड़ी टेंशन की बात है. ठीक है, द नेक्स्ट इज जयशंकर वांग होल टॉक्स. दो इसी मुद्दे पर जो है एस जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, वहीं पे जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, इन दोनों के बीच में पहली बार फेस टू फेस थर्सडे को मॉस्को में मीटिंग हुई है. उन्होंने इन चार महीने से जो इश्यूज चल रहे हैं एलएसी पर उसको डिस्कस करने के लिए मीटिंग की है, विच हैज़ सीन वायलेंट क्लैशेज एंड इवन गन फायर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1975 से लगा के अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि फायरिंग हुई है हमारे वहाँ पे जो है दोनों देशों के बीच में पेंगोंग सो लेक के किनारे जो है फायरिंग हुई है. ऐसा 1975 के बाद पहली बार हुआ दोनों देशों के बीच. तो जिस तरह की वायलेंट कंडीशन दोनों देशों के बीच नज़र आ रही है उसको देखते हुए दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम फेस टू फेस मीटिंग करेंगे. बिकॉज अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले वर्चुअल मीटिंग जो हुई थी उसको लेकर के थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे जो है अच्छी न्यूज़ नहीं आई थी और अच्छे रिपोर्ट्स नहीं आए थे, उसके चलते दोनों देशों ने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू गो थ्रू द फेस टू फेस मीटिंग्स. ओके, दैट्स व्हाई दे आर डिसाइडेड टू गो थ्रू इट एंड दे अरेंज द मीटिंग्स बाय थर्सडे. ओके, सो कुछ खास तो हम नहीं कह सकते. द मीटिंग टुक प्लेस ऑन थर्सडे इवनिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है SCO की काउंसिल जो बैठी थी उसकी मीटिंग के बाद में फेस टू फेस दोनों ने पहली बार मीटिंग की है. ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी शंघाई की और रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल मीटिंग थी ये, जिसके अंदर दोनों ही मिनिस्टर्स अटेंड थे. और फाइनली जब अटेंडेड मिनिस्टर्स की वो SCO की मीटिंग ओवर हो गई तो उसके बाद में दोनों ने मिल करके इस मुद्दे पर बात की. ठीक है, बोथ इंडिया एंड चाइना आर इन रेगुलर टच थ्रू डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री टॉक्स एंड टू रिजॉल्व द सिचुएशन. This was the consensus when the two ministers met, said external minister. External minister ने बताया कि हम पहले से already जो है दोनों देश के जो हम लोग connections हैं continue हैं, दोनों देश आपस में बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, बस ultimately पहली बार हम लोगों के बीच में इस मुद्दे को लेकर face to face meeting हुई है. ठीक है,
कोई खास जो है आउटकम नहीं हमें देखने को मिला है, मतलब हमारे पास में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि दोनों देशों के पास क्या के बीच में क्या मीटिंग हुई है, बट अल्टीमेटली मीटिंग ज़रूर हुई है और इस मीटिंग के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट ज़रूर सामने आएगी और पता चलेगा कि उससे अल्टीमेटली दोनों के बीच में क्या मीटिंग हुई है। बट या फेस टू फेस मीटिंग ज़रूर ऑर्गेनाइज हो गई है दोनों देशों के बीच में, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी एम्फसाइज दैट इंडियाज एक्सपांशनिस्ट एंड यूनिलेटरल एक्शंस पर्टिकुलरली सिंस August 5th, 2019 हैज बीन इम्पेरलिंग रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी सेट पाकिस्तान। ऐसा ये स्टेटमेंट पाकिस्तान का है कि इंडिया कहीं ना कहीं जो है इंडिया के एक्सपांशन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के इंडिया अपने अपने फैलाव को लेकर, देखिए ये जो भड़ास निकल रही है तो बिल्कुल पाकिस्तान की भड़ास है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए, चाहे अन्य दूसरे जो क्षेत्रों के मुद्दे हैं वो ले लीजिए, पाकिस्तान की भड़ास निकलनी लाजमी है। बाकी पाकिस्तान तो काफ़ी लंबे समय से हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं बट वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही, उसको लेकर ये कॉम्प्लिकेशंस तो लाजमी है या उनका ये स्टेटमेंट जो है वो बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट वैल्यूबल नहीं, वैल्यूबल यहाँ ये होता है कि चाइना और इंडिया के बीच में क्या टॉक्स हुई है, उससे रिलेटेड क्या जो है मुद्दा निकला है, क्या कंक्लूजन निकला है, और ये दो बार फायरिंग की बात सामने आ रही है इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। द नेक्स्ट इज समथिंग रोटन, द डेथ ऑफ सुशांत अपीयर्स टू हैव लेड बेयर डीपली एंट्रेंच्ड सोशल प्रेजुडाइज। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं गिरावट आई है, या हम कह सकते हैं सोशल जो एक वो होती है ना गिरावट, उसको शो करता है सुशांत की डेथ ने काफ़ी चीज़ों को सामने लेकर आया है। अ यंग टैलेंटेड बॉलीवुड एक्टर ट्रेजिकली एंडेड हिज लाइफ, 14 जून को सुसाइड कर लिया था सुशांत सिंह राजपूत ने, बहुत ही यंग टैलेंटेड और बहुत ही हम कह सकते हैं ग्लोरियस एक्टर थे। बट द इवेंट दैट फॉलोड सुशांत सिंह राजपूत डेथ बाय सुसाइड हैव बीन इवन मोर शॉकिंग, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं हुई वो काफ़ी शॉकिंग थी। पहले फिल्म स्टार्स का सामने आना नेपोटिज्म के ऊपर, फिर नेपोटिज्म का मुद्दा होते होते और बॉलीवुड स्टार से होते होते वो सारा मुद्दा आ जाना रिया चक्रवर्ती पे, और इसी बीच में उसकी बहन और पिताजी पर रिया द्वारा जो है काफ़ी क्लेम्स करना, तो इस तरीके की जो सिचुएशन है अगर पूरी सिचुएशन की बात की जाए तो काफ़ी वर्स्ट सिनेरियो रहा है पूरी सिचुएशन का, ठीक है। और उनके उसकी जो सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो कहीं ना कहीं मिस्ट्री बनकर रह गई है, ऑन फुल डिस्प्ले इन दी सब्सिक्वेंट वीक्स वर सम ऑफ द वर्स्ट रिग्रेसिव ट्रेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम मिसोग्नी, इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, वॉयरिस्टिक ग्ली ऑफ अ कलेक्टिव लॉस ऑफ क्लैरिटी। All hell broke loose soon after his family accused the 34-year-old actor's girlfriend Riya Chakravarti, 28, of foul play, okay, and filed an FIR charging Riya with abetment of the suicide, a crime punishable by up to 10 years in prison. A section of the media pounced on Riya, terming her a gold digger, and handed out instant verdicts in the newsroom. Anchors appeared to have little time to discuss India's crossing 4 million COVID-19 cases, the 23.9 GDP contraction, or the heightened border tensions that Sushant hailed from pole-bound Bihar added a political dimension impossible to ignore. The actor reported to have been suffering from depression, lived in Mumbai, which is now ruled by estranged Bharatiya Janata Party partner the Shiv Sena, together with the Nationalist Congress Party and Congress, and his demise has become political fodder, crossing limits of decency, drawing in other Bollywood celebrities. Three top government agencies, the enforcement dictator, dictatorate, the Central Bureau of Investigation, the Narcotics Bureau Control Bureau grilled Riya for days. The NCB finally arrested her on September 8, linking her to a
drugs case in Sushant's death probe. Rhea has denied any wrongdoing, telling the media that she didn't speak after Sushant's passing away out of grief and respect for him. Whether Rhea has committed a crime, the law will decide. But as she and her family fight this battle, the spotlight is firmly on Indian society and its deeply entrenched prejudice. In women's rights activists have spoken up against the demonization of Rhea and how gender, the clothes she wore, the undefined relationship she had with the actor all played a role. What is perhaps more disturbing is that many women, far from empathizing with a girl who lost a boyfriend in such circumstances, has been quick to pronounce Rhea guilty on any number of wrongdoings. That people could erupt with joy at her arrest on charges not directly related to the death is an indication that Vague demands of justice for Sushant have played out a blood sport. देखिए बेसिकली अब मैं आपको पूरी कंडीशन बता देती हूँ. जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियसली डेथ हुई, उसके बाद में इस पूरी चीज़ों का जो क्लेम है, या हम कह सकते हैं सॉरी ब्लेम जो है, पूरा जो फॉल्ट है उसके अंदर लाकर खड़ा किया गया रिया चक्रवर्ती को. उससे पहले नेपोटिज्म को लेकर के बॉलीवुड को टारगेट किया गया. बॉलीवुड को टारगेट करते हुए सब सारा मुद्दा घूम करके कहाँ लाया गया, रिया चक्रवर्ती पर. रिया चक्रवर्ती से होते हुए ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स भी हमें शिवसेना की देखने को मिली इन दिनों. और इन सब के बाद में अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लाइक फीमेल्स का रिया को सपोर्ट करना ये कहकर कि जो है उसकी डेथ के बाद में बेवजह की गिल्टी करवा के और बेवजह उनको आरोपित करके और ये सब चीज़ें की जा रही है. वहीं पे रिया के खिलाफ जो है ड्रग्स से रिलेटेड इश्यूज के अंदर रिया का हाथ पाया जाना, सुशांत की ड्रग्स से रिलेटेड, तो उसमें रिया को जो है कैद जेल भेजा जाना, इम्प्रिजन करना. तो कंडीशंस इतनी वर्स्ट हो गई कि बहुत सारे सीन सामने आए जहाँ पे जो फैंस हैं उनके अंदर ये चीज़ सामने आई कि एक बहुत ही यंग और बहुत ही सिंसियर और बहुत ही ऑनेस्ट जो एक एक्टर है वो डेथ मतलब जो डेड नहीं हो सकता या सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर सकता बेसिकली. और ये सारी चीज़ें उनको इतनी इफ़ेक्ट कर गई कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सामने लेके आए, जैसे कि नेपोटिज्म को लेकर. और उन्होंने उसके अलावा जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे जो काफ़ी नेपोटिज्म पर बेस्ड थे उन्हें यहाँ पे ब्लेम किया गया. उसके बाद में सिनेरियो जब वहाँ से चेंज हुआ और रिया चक्रवर्ती पे आया तो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली और उसके कई फैंस द्वारा जो है रिया चक्रवर्ती को क्लेम किया गया. और जब उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की तो फीमेल जो वो हैं वो सब रिया के सपोर्ट में सामने आ गई, ये कहते हुए कि रिया क्योंकि एक फीमेल है, जेंडर गैप के कारण, जेंडर डिफरेंस के कारण उनके साथ ये सब किया जा रहा है, वो एक फ़ीमेल है और उनके साथ में ये सब गलत किया जा रहा है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है एज़ अ फीमेल. ओके, तो ये सारी चीज़ें सामने आई. उसके बाद में उनके जाने का जो दुख है, किसी ने उसके बारे में, मीडिया ने जो सुशांत गए हैं उसके बाद जो रिकवरी हो सकती है उन सब पे बात करने से ज़्यादा ज़रूरी समझा कि उनकी डेथ के पीछे जो रीजंस हैं, चाहे नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन उसे हाईलाइट करना. काफ़ी सीबीआई जांच होने के बाद भी अल्टीमेटली आज तक भी हम लोग कोई बहुत ठोस कदम, ठोस सबूत पर नहीं पहुंच पाए. हो सकता है कि वो एक नेचुरल चीज़ हो, या मतलब ठीक है सुशांत सिंह खुद, देखिए एक इंसान के दिमाग की बात कभी नहीं कही जा सकती कि वो कब स्विंग हो जाता है, कब उसके अंदर कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं, तो ये चीज़ें आप कभी भी नहीं बता सकते हैं किसी चीज़ के बारे में. लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का माइंड जो है वो प्रोबेबली उसी लेवल पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड होगा, और हो सकता है उन्होंने इसी यही सब जो है प्रेशर के चलते, इन्हीं चीज़ों के चलते, या किसी एक बात को दिमाग में लिए हुए उन्होंने सुसाइड के बारे में सोचा और ये चीज़ कर ली. इसके लिए हम लोग जान पूछ के या मीडिया बेसिस पर, मीडिया जो रोल प्ले कर रही है या जो फैन फॉलोइंग है सुशांत सिंह की वो जो रोल प्ले कर रही है, जो इस सदमे से बाहर नहीं आ रही है,
तो अल्टीमेटली बहुत ही हम कह सकते हैं एक मतलब खूनी खेल खेला गया हो ना, ऐसा कुछ सारा सिनेरियो यहाँ नज़र आ रहा है. मॉब दैट सीम्स टू फाइंड इट्स वॉइस थ्रू टीवी एंकर्स एंड सोशल मीडिया अपीयर्स टू हैव ओवररूल्ड आइडियाज ऑफ जस्टिस, फेयरनेस एंड इवन द लॉ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिलीवर्स जस्टिस इन दिस केस. इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इसके ऊपर, इस केस के ऊपर जस्टिस प्रोवाइड करवाए, ना कि जो अदर सोसाइटीज़ है या अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने बेसिस पे ये सब चीज़ें करें. मीडिया का रोल, बॉलीवुड का रोल यहाँ पे जो है, उसकी गर्लफ्रेंड का रोल, फैमिली का रोल. समवेयर द सिचुएशंस आर गोइंग वर्स्ट एंड वर्स एंड इवन द सिचुएशन आर यू नो लाइक जिस चीज़ को हम कह सकते हैं, जो चीज़ नहीं भी है उसे प्रूव करने की कोशिश की जा रही है. तो अल्टीमेटली इट इज़ जस्ट लाइक अ गेम, ब्लडी गेम कर दिया ऐसे. सो इट शुडंट गो थ्रू लाइक दिस. बट ठीक है, अब जो चीज़ें चल रही है वो भारत के समाज की एक बहुत ही गलत छवि को प्रदर्शित करती है, चाहे वो नेपोटिज्म से रिलेटेड मुद्दा है, चाहे वो रिया का वास्तविकता में फॉल्ट में होने का मुद्दा है, चाहे कोई अन्य मुद्दा है. और सोसाइटी और मीडिया का इस तरीके से एक मुद्दे पर स्टक होना, और वो भी ऐसे मुद्दे पे जिसका कोई अंत ही नहीं है और जिस बंदे से रिलेटेड है वो बिल्कुल, जिसका डेथ हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत ही नेगेटिव इमेज क्रिएट करती है इंडियन सोसाइटी की. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ ड्रॉ डाउन इन इराक. इराक में जो गिरावट आई है उसके बारे में यहाँ बताया है. जिहादिस्ट ग्रुप should not be allowed to fill security vacuum after American troops leave. American troops के leave कर देने के बाद में security vacuums को जो है उनको fill करने के लिए जो है allow नहीं किया जाना चाहिए jihadist groups को. The US decision to cut troops in Iraq is both a relief and a challenge to the Iraqi government. Iraq की government के लिए एक बहुत बड़ा challenge बन के सामने आया है जब US ने decision सुनाया कि वो जो है troops को cut short कर देंगी Iraq से, है ना. And it is a relief because public opinion in Iraq is increasingly against the continuing presence of US troops. US troops जो है उनकी country के अंदर जो तैनात है US troops, उसको लेकर के वहाँ के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन ये था कि हमें इन ट्रूप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये US ट्रूप्स हमारे देश में क्या कर रहे हैं, इन्हें बाहर निकाला जाए. ठीक है, तो ये मैटर है यहाँ पे. और जबकि अगर हम बात करें पर्टिकुलरली आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी, सुलेमानी जो है इन बगदाद जो उन जनवरी में उनकी जो उनको जो मारा गया था US द्वारा, तो उनकी हत्या के बाद तो अल्टीमेटली वहाँ की जनता चाहती ही नहीं है कि US ट्रूप वहाँ पर तैनात रहे. ठीक है, इराकी लॉ मेकर पासेस और पास्ड नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन. नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन पास किया लॉ मेकर्स ने इराक के आफ्टर दी असैसिनेशन, इस पूरे असैसिनेशन सुलेमानी के असैसिनेशन के बाद में, आस्किंग द गवर्नमेंट टू आउस्ट दी या आउट दी अमेरिकन्स को जो है यहाँ से बाहर निकाला जाए. इसको लेकर के एक जो है रिजोल्यूशन भी पास किया गया था. एंड द न्यू गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल खदीमी हैड स्टार्टेड इट डज नॉट वांट यूएस ट्रूप्स इन कॉम्बैट ऑपरेशंस, बट ही हैज़ आस्क्ड फॉर ट्रेनिंग सर्विसेज एंड अदर असिस्टेंस. नाउ that the US is cutting troops from, अब US खुद जो है अपनी troops को cut short कर रहे हैं 52,000 तक लेके जा रहे हैं 3,000 से. Now Mr. Kadimi could argue that his government is committed to seeing the full withdrawal of US troops. It is a challenge because the US troops had played a key role in the war against the Islamic States. Islamic States जो है उनसे इराक को जो है help करता है, इराक को लड़ने के लिए काफ़ी US troops की मदद रहती है और US troops काफ़ी support करते हैं उन्हें. लेकिन सुलेमानी की हत्या के बाद में ultimately वहाँ के लोग और वहाँ की जनता, वहाँ की जो आवाम है वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि US उनके अंदर कोई इन्वॉल्वेंस दिखाए. लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ अ फैक्ट दैट उन्हें US की ज़रूरत है, US ट्रूप्स की, उन सारे ग्रुप से लड़ने के लिए, उन सारे ट्रूप से लड़ने के लिए जो अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं इराक के. ठीक है,
ये एक चैलेंज बनकर सामने आया है कि वो कैसे सिचुएशंस को होल्ड करेंगे, कैसे सारा जो बर्डन है जिहादिस्ट के अगेंस्ट जो इराक के ऊपर है वो कैसे बेयर करेंगे, और कैसे वो US ट्रूप्स के बिना जो है इस पूरी जंग को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप हैज़ लॉन्ग वेटेड वांटेड टू पुल ट्रूप्स आउट ऑफ इराक। अमेरिकन पॉलिटिकल्स जो थे वो पहले से ही चाहते थे कि इराक से बाहर निकाल दिया जाए ट्रूप्स को, बट जो सिचुएशन थी काफ़ी सारे जो है सोल्जर्स थे थाउजेंड्स में, तो उन सब की कंडीशन देखते हुए और इराक के साथ जो रिश्ते थे उन सब की कंडीशन को देखते हुए इसे कंटिन्यू किया गया था। ठीक है, US का डिसीजन जो है इज़ पार्ट ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेटर्स लार्ज पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग बैक अमेरिकन ट्रूप्स होम। अमेरिकन ट्रूप्स को घर लाने की एक ट्रंप की एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉलिसी है, और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जहाँ पे अभी जो है ट्रंप काफ़ी लूज कर रहे हैं वहाँ की जनता के अंदर अपना विश्वास बना पाने में, तो वहीं पे अपने विश्वास को बनाने के लिए अपनी प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए ट्रंप का ये डिसीज़न रहा है, और ट्रंप ने ये फैसला लिया है कि ट्रूप्स को कट शॉर्ट किया जाएगा और सैनिकों को हमारी सेनाओं को फिर से घर पर बुलाया जाएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट इट, एंड इराक के अंदर जो सिचुएशन है उन सारी सिचुएशंस को यहाँ पे बताया गया है। तो लेट्स सी क्या गिरावट आई है, क्या इन चीज़ों से क्या जो है रिजल्ट निकलेगा, अमेरिकन ट्रूप्स ना होने की वजह से जिहादिस्ट से रिलेटेड क्या जो है दंगे फसाद वहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। और जो अलकायदा और अन्य जो जिहादिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस लेवल पे इस पूरी सिचुएशन को स्विंग करते हैं, या कैसे हम कह सकते हैं अमेरिकन ट्रूप्स के बाद में उन्हें कितनी पावर्स होल्ड करते हैं और किस तरह के दंगे जनरेट करते हैं वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें बाद में देखने को पता चलेगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अमेरिकन का या US का अपनी ट्रूप्स को इराक से कट शॉर्ट करना इराक के लिए एक तरीके से, तो अगर सोशल उसके एस्पेक्ट से देखा जाए तो अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बुरा जो है इंडिकेशन भी लेकर आ रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज एन एग्रीकल्चरल लेड रिवाइवल हैज़ फ्लॉड क्लेम। द क्राइसिस इन एग्रीकल्चरल डिमांड्स जो है उसके अंदर जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस अ स्ट्रॉन्ग फिस्कल स्टिमुलस फॉर दी रूरल इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिस्कल पॉलिसी ऑर्गेनाइज की है सरकार ने एग्रीकल्चर की डिमांड्स को देखते हुए, उसके क्राइसिस को देखते हुए, और रेदर कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट या रेदर कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट हर्ड इन द मिडस्ट ऑफ इंडियाज COVID-19 इंड्यूस्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन इन दिस एग्रीकल्चर विल लीड India's economic revival, but how valid is the claim put forward by government spokesperson and some observer? ये पूरी सिचुएशन जो है सरकार इन चीज़ों को ले रही है, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, लेकिन COVID-19 के अंदर जो इकोनॉमिक शटडाउन है उसको ओवरकम करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ को कुछ जो है स्टिमुलस पैकेज को, फिस्कल पैकेज को जो है अनाउंस किया है, लेकिन ये किस हद तक सरकार द्वारा दी गई मदद जो है वो किस हद तक एग्रीकल्चरल फील्ड में हेल्पफुल होती है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, 4 मेजर आर्ग्यूमेंट्स जो है वो ऑफर किए गए हैं। सबसे पहला तो कि इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो 2019-20 में जो है 3.7% हायर था 2018-19 से, और अब जो है सिचुएशन और भी वर्स जाती जा रही है। 2021 के अंदर जो है रबी की फसल का करीब 12.6% हायर देखने को मिल रहा है। ओके, दीज इंडिकेट इट इज़ आर्ग्यूड एंड रेजिलेंस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। सेकंड, फूड इन्फ्लेशन है ना, फूड इन्फ्लेशन का मुद्दा भी सामने आ रहा है। तो इस तरीके से कई सारे मुद्दे हैं जो कंट्री के अंदर देखे जा रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और जो इसकी जो रेट्स, देखिए COVID-19 से बहुत सारी चीज़ों पे प्रभाव पड़ा है। एग्रीकल्चर COVID-19 के दौर में भी कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसकी रेट्स में जो है उतार चढ़ाव आना, उसके जो है प्रोडक्शन में उतार चढ़ाव आना, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक
खतरे की घंटी, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है जो कंटिन्यू अपने अपनी पोजीशन पे कंटिन्यू चल रहा है पिछले लंबे समय से, है ना। और कोविड 19 के टाइम में भी अपने आप को इसने बेस्ट लेवल पे प्रूव किया है। सो समवेयर दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क दैट हाउ इट विल गो फॉर द नेक्स्ट, ओके। एंड कैसे इसके लिए क्या पैकेज, किस हद तक ये पैकेज जो है सरकार द्वारा दिए जाने वाले पैकेजेस या अन्य जो भी पैकेजेस या अनाउंसमेंट्स है वो किस हद तक प्रॉफिटेबल है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ द ग्रेट ग्रेइंग ऑफ चाइना, देयर इज़ एविडेंस दैट कंट्रीज एजिंग पॉपुलेशन विल इंक्रीमेंटली इम्पीड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी, चाइना में मैं आपको बता दूँ वन चाइल्ड की पॉलिसी चलती है, OCP चलता है, हर एक पेरेंट के एक ही बच्चा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब ये सिचुएशन आ गई है कि वहाँ पे एक टाइम पे सारे ही लोग जो है एजेड नज़र आएंगे, और इस सिचुएशन को जो है कहीं ना कहीं देखा जाएगा, और इसके जो सीनियर लीडर है शाओपिंग इन 1979 टू सी पॉपुलेशन, उन्होंने ये जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में लाने के लिए CCP पार्टी के लीडर शाओपिंग, उन्होंने ये OCP की जो पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन के चलते जो है उन्होंने ये पॉलिसी दी थी, और काफ़ी हद तक जो है केसेस कंटिन्यू बढ़ गए थे वहाँ पे, और मतलब पॉपुलेशन केसेस कंटिन्यू बढ़ गए थे, और सिचुएशंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती नज़र आ रही थी। फर्स्ट लेवल पे आता है, आपको पता ही है पॉपुलेशन के मामले में, तो उसे कंट्रोल करने के लिए चाइनीज़ लीडर शाओपिंग का ये डिसीज़न था OCP वन चाइल्ड पॉलिसी का। तो उस पॉलिसी से क्या फॉलआउट्स हुए हैं, क्या इम्प्लिकेशंस हुए हैं इस पॉलिसी से रिगार्डिंग, और इसको कंट्रोल में लाया गया है यानी एब्सोल्यूट कंट्रोल देखा गया है यानी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताइए कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, और इससे होने वाली एक टाइम पर आकर के पूरी ग्रे जनरेशन, मतलब पूरी ही बूढ़ी या हम कह सकते हैं एजेड जनरेशन जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि एक वन चाइल्ड एंड एट द एज यंगस्टर्स की तो बिल्कुल जो है कमी है, क्योंकि एक सर्टेन एज तक तो बहुत सारा पॉपुलेशन जनरेट हुआ है, लेकिन पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हुई है, जनरेट हुई है, दिस इज़ अ गुड थिंग। बट आफ्टर दैट अचानक से फॉल डाउन होना और एक वन चाइल्ड की पॉलिसी होना, मतलब एक ही बच्चा होना, तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स तो बिल्कुल कम हो गए और ग्रे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कंटिन्यू इंक्रीमेंट जहाँ होता चला जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही हम कह सकते हैं रिमार्केबल थिंग है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है कि एक ग्रे इंडिया, ग्रे चाइना का, एक ग्रे कंडीशन का, एक ग्रे पॉपुलेशन का, मतलब इस एजड पॉपुलेशन का, इस एज की पॉपुलेशन का भी देश की इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कहीं ना कहीं इंडिया के चाइना के जो है सिचुएशन, वहाँ की स्मार्टनेस, वहाँ के लोगों की स्मार्टनेस को दर्शाता है, ठीक है। Now I can say experience is working there. The people they are holding the economic policies or economic condition, कहीं ना कहीं उनके उनका experience जो है वो वहाँ पर work कर रहा है, वो वहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। So it is all about it. जितने भी articles थे आज के important, वो हम यहाँ discuss कर चुके हैं। इसके अलावा कोई article है, कोई मुद्दा है जो आप मुझसे discuss करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपसे discuss करूँ, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं। We will definitely discuss about it. I will definitely answer you. And आप अपनी तरफ से एक question का answer देंगे कि grey population जो है, great grey की यहाँ जो बात की गई है चाइना में, इसका क्या इम्पैक्ट है, आपको क्या लगता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, प्लस पॉइंट्स, क्या इंडिया को भी OCP की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, तो ये पूरी सिचुएशन जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे दैट इट शुड बी गुड फॉर इंडिया और नॉट, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ बने रहिए, बाय बाय।